ये तो रोहित शर्मा ने आखिरी तीन चार मैचेस में रन्स किए हैं। रोहित शर्मा में भी बहुत शोर मच रहा था और ये कि उसने भी जो भी आता है उसने जाना ही है जी, ये जी। लेकिन ये कि अगर आपका सिस्टम सही होगा ना, इंडियंस की जो सारों से बड़ी कामयाबी है ना, इन्होंने अपना सिस्टम अच्छा कर लिया, उस सिस्टम से ना प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो खेल भी है ना 11 प्लेयर, उनके लिए कि अपना स्टैंडर्ड इधर रखो, ठीक है, इधर अपना स्टैंडर्ड रखो, वरना पीछे से लोग आ रहे हैं। किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एमी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता था रोहित शर्मा। रीजन बीइंग इज कि उसका एक टारगेट था, एक मकसद था कि टीम इंडिया या हिंदुस्तान को एक दफा वो वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। अब उस प्रोसेस के लिए उसने विराट कोहली का साथ दिया। आप भी जानते हो नेचुरल ओपनर नहीं है। सर आपने इंडिया को चूज किया था, इंडिया जीत गया, आप बहुत गुस्से में हैं। यार मैंने चूज इंडिया को किया था, लेकिन मैंने आपसे बोला था मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब मैंने इंडिया बोली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं भाई। आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो आपने देखा, जो खुशी थी इनके डगआउट में और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसमें एक पॉइंट है, उसमें सारे इंडियंस बैठे हुए थे, उसमें कोई बार का नहीं है। सबसे टॉप की टीम अपने लोग हो, केपेबल लोग हो, जो कि आपके मुल्क के हो, जो कि अगर पाकिस्तान की टीम है तो वो अंदर से भी पाकिस्तानी हो, अंदर से भी इंडियन हो। लेकिन जो फिनिशिंग लाइन जो अबूर करता है, निकाल देता है, वही चैंपियन होता है, वेल डिजर्व चैंपियन मेरे ख्याल से आज इंडिया रहा। जी इस वक्त आप और मैं तो देख नहीं पा रहे थे, मेरे सामने चल रहा हार्दिक पांड्या के आंसू निकल रहे हैं। ही इज क्राइंग, एक्सटेटिक है, ही इज क्राइंग। कमाल दोस्तों नमस्कार। भारत ने 13 साल के बाद वर्ल्ड कप जीत लिया और हमारा इंतजार खत्म करवा दिया, क्योंकि पिछले साल 19 नवंबर का जो दुख था ना वो आज जाके पूरा हुआ है। उस वर्ल्ड कप की हार के बाद हम बहुत टूटे गए। रोहित शर्मा तो बहुत ज्यादा दुखी था, वो तो एक हफ्ते तक घर से बाहर भी निकला था, लेकिन कल रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताकर सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया है। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब वो कभी भी T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, शायद IPL में जरूर खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में तो नहीं खेलेंगे। वनडे और टेस्ट ही खेलेंगे, क्योंकि अभी उन्हें बहुत लंबा खेलना है। अभी तो 2 वर्ल्ड कप और आने हैं हमारे। कल का मैच तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया बड़े आराम से हार रहा है, क्योंकि आखिरी 4 ओवर में केवल 26 रन चाहिए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जैसे ही क्लासिक को आउट किया उसके बाद तो बिल्कुल मैच ही पलट गया। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि इंडिया ये हारो मैच जीत कैसे, ये करिश्मा कैसे हो गया, लगता है भगवान ने कल सुन लिया। 140 करोड़ लोग कल दिल दुआ कर रहे थे कि भगवान कैसे भी करके मैच जिता दो। ऐसा मैच जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, वर्ल्ड कप फाइनल का मैच। इतनी शानदार बॉलिंग की बुमराह ने, बुमराह ऐसा बॉलर इंडिया में कभी पैदा नहीं हुआ। इतनी शानदार जीत के बाद तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी तारीफ कर रही है इंडियन टीम की। दिल से तो वो दुखी होंगे शायद, लेकिन बाहर से तो खुशियां दिखा रहे हैं। इन द पोस्ट मैच इतनी खूबसूरत बात उस मौके पे, उस स्टेज पे उन्होंने की कि लोगों को नजर आता है कि हमने ट्रॉफी आज जीती है, लेकिन ये आज नहीं है। लोगों को नजर नहीं आता जो बिहाइंड द सीन्स जितनी हमने मेहनत की है ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स टू गेट अस टू दिस पॉइंट। वो जो बिहाइंड द सीन्स मेहनत है ना शोएब, वो प्लेयर्स की लोगों को नजर नहीं आती। रातों रात ऐसे ही नहीं वर्ल्ड कप जीत लेते। पहले यूनुस जवाब दे दे। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम ये बात करें ना कि इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं जो कि टीम बनते हैं। अच्छा, टीम में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कैप्टन होते हैं, उसके बाद उनके वाइस कैप्टन होते हैं, कुछ सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं, और फिर मैनेजमेंट में अगर आप लकी रहे। हमारे पास भी ऐसा होता रहा कि हमारे पास भी गाय बगाए ऐसे लोग आते हैं। उन्होंने की हम बात करेंगे कि वो जब आए तो हम सब इकट्ठे हुए, उन्होंने हमें इकट्ठा किया, उन्होंने हमें एक्सप्रेस अपने आप को, अपने सेल्फ को करने के लिए दिया और फिर हम इकट्ठे हो गए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह रोहित शर्मा ने ये बात की कि नजर तो ये वर्ल्ड कप आ रहा है, ये ट्रॉफी नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे 3 से 4 साल है। तो उन्होंने जिस तरह सबको मैनेज किया, और अगर इससे पहले हम देखें तो विराट कोहली जब कैप्टन होते थे तो वो बैक करते थे रोहित शर्मा को। अब जब रोहित शर्मा कैप्टन बने तो वो विराट कोहली को बैक कर रहे हैं, और फिर जिस तरह विराट कोहली ने वो इनिंग खेली है हमारे सामने और पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर नजर आए और एक इनिंग, और जिस तरह उनका सेंड ऑफ आज हुआ है तो मेरे ख्याल से अमेजिंग है। तो ये देखिए, ये टीमें बनती हैं, ये सिर्फ एक कैप्टन से नहीं बनती, ये बल्कि 4-5 आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं, कैप्टन फ्रंट से तो लीड करते हैं और उसके बाद कुछ मैनेजमेंट में, अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग स्टाफ में कुछ ऐसे लोग आ गए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब आपने देखा होगा जो खुशी थी इनके डगआउट में और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसमें उसमें एक पॉइंट है, उसमें सारे इंडियंस बैठे हुए थे, उसमें कोई बार का नहीं है। सबसे टॉप की टीम खिलाते हैं, ये एक पॉइंट है आपको, आपको मैं और जब आ रहे हैं हेड कोच सुनने में जो आ रहा है गौतम गंभीर, ही इज आल्सो वन ऑफ आपके अपने लोग हो, केपेबल लोग हो, जो कि आपके मुल्क के हो और जो कि अगर पाकिस्तान की टीम है तो वो अंदर से भी पाकिस्तानी हो, अंदर से भी इंडियन हो, अंदर से भी उस टीम के हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है टीमों में। राइट, व्हाइल वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट शर्मा, रोहित शर्मा, शोएब एज अ कैप्टन 2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचे इंडियन टीम, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रनर्स अप रही इंडिया, फिर 2023 ODI वर्ल्ड कप के रनर्स अप रहे, एंड फाइनली 2024 में दे हैव लिफ्टेड ट्रॉफी। बार बार उस स्टेज पे आना, हार जाना, एंड देन फाइनली डूइंग इट, व्हाट डज इट मीन फॉर टीम इंडिया एंड ऑफ कोर्स द 2 ग्रेट मेन हु आर बिडिंग फेयरवेल, 3 ग्रेट मेन एक्चुअली। रोहित शर्मा अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, बट यू नो इट्स हिज लास्ट वर्ल्ड कप एज कैप्टन, कोहली एंड ऑफ कोर्स राहुल द्रविड़। देखो यार, हम तीनों पाकिस्तान से खेले हुए हैं,
हम तीनों को एग्जैक्टली पता है बीच की बात क्या है। हफीज भी जानता है, यूनुस भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। वर्ल्ड कप पता है कौन उठाता है, कौन सा कप्तान उठाता है? जो नीयत का साफ होता है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए, उसके लिए चाहे मुझे गलत तो नहीं, जो सही है वो मुझे करके छोड़ना है और मुझे उस लड़के को बैक करना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, पर उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही है ना, किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एमी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता था रोहित शर्मा। रीजन बीइंग इज कि उसका एक टारगेट था, एक मकसद था कि टीम इंडिया या हिंदुस्तान को एक दफा वो वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। अब उस प्रोसेस के लिए उसने विराट कोहली का साथ दिया, आप भी जानते हो वो नेचुरल ओपनर नहीं है, उसने खिलाया, उससे नहीं खेली जा रही, वो गेम उसकी है ही नहीं, उसको रन बॉल खेलना है, उसको बीच में के दो चौके मारने हैं, बाद में आगे स्ट्राइक रेट ठीक करने के लिए इधर उधर चलाया, दूसरा स्ट्राइक रेट ठीक हुआ, ये उसकी नेचुरल गेम है, खिलाया। लेकिन मुझे ये बताएं कि हार्दिक पांड्या जिसको उसने रिप्लेस किया एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस के लिए, क्या उसने ग्रज रखी उसके लिए? हार्दिक पांड्या को गालियां पड़ी ग्राउंड के ऊपर बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा को रिप्लेस किया मुंबई इंडियंस में। आज रोहित शर्मा ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको आके यहां पे इतनी बड़ी किस करके गया, हार्दिक पांड्या को क्या किए गया है, थैंक यू वेरी मच कि तूने यू हैव कंप्लीटेड माय ड्रीम थ्रू योर बॉलिंग्स। ये होता है थैंक्सगिविंग, दिस व्हाट यू कॉल थैंक्सगिविंग। ये थैंक्सगिविंग के लिए नेतन कप्तान का होना अच्छा बहुत जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, अल्लाह ने इसको 2009 की इज्जत दी, बिकॉज इसलिए बनता है। इमरान खान को 92 की इज्जत क्यों मिली? बनता था, बाद में क्यों नहीं मिले? बनता नहीं था। सो ऑल वी कुड सी इज कि मुझे, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि रोहित शर्मा वेल डिजर्व कैप्टन है इसकी ट्रॉफी के लिए। ये कह रहा था ना मैं आपको बार बिल्कुल कह रहा था, मैंने आपसे कह रहा था इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, बिल्कुल मैं आपको कह रहा था अफगानिस्तान सेमीफाइनल करेगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यार हम एक बिखरा स्कैटर्ड शराजा है। इस सारे शराजे को बड़ा अच्छा समाप्त किया हफीज ने, बड़े अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने आपको कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, एंड देन कम्स फ्रॉम द गाय हु आई रियली रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्ट टिल द डे नाउ, बिकॉज इसका मकसद सिर्फ ऑनरेबली ये होता है कि पाकिस्तान को फायदा हो। मेरा सिर्फ ये मसला था कि मैं निशानदेही कर दूँ, निशानदेही भी 10-20 साल से कर रहे हैं, डिटेरियेशन पाकिस्तान क्रिकेट आज की नहीं है। इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना 4 साल पहले का प्रोसेस है, बिल्कुल ट्रॉफी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की डिटेरियेशन 20 साल का प्रोसेस है जिसका एंड रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या के बारे में बात की, कैसे रोहित शर्मा ने उनको बैक किया, आज उन्होंने भी जैसे ही मैच वो जीते हैं और वो उस इमोशनल मोमेंट में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया आईसीसी को, उसमें उन्होंने भी बड़ी मजे की बात की है, और वो भी ये यू नो सोचने की बात है हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी, हर कॉन्टेक्स्ट में, कि उन पे जब बुरा वक्त आया, ही सेड कि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर दैट आई वाज हियरिंग अबाउट फ्रॉम द लास्ट 6-7 मंथ्स बट आई स्टेड क्वाइट एंड आई न्यू दैट आई विल रिप्लाई ओनली डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कैप्टन आपको बैक कर रहा है, एज अ प्लेयर जब आप उस रफ पैच से गुजर रहे हैं, उस डार्क पीरियड से, खामोश रहना हफीज, अपने आप को हम सब ने ये क्रिकेट खेली है, हमें पता है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कामयाबी मिलती ही मिलती है, तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता। तो देखें उनके एक दो मरतबा ऐसे आए कि दे वर वेरी क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप, दे कुडंट डू दैट, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस कैसा था। जैसे कप्तान खुद बात कर रहे हैं रोहित शर्मा के, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके, विच वॉज ऑल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस, नाउ वी अंडरस्टैंड कि एवरीवन हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली।